नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कृषि बैंक क्या होते हैं। आपने नाम सुना होगा कि भैया जो फला बैंक है वो एक कृषि बैंक है, यानी जितने भी कृषक होते हैं या जो कृषि करते हैं उनको सहायता करते हैं। इसे इंग्लिश में एग्रीकल्चरल बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके विषय में हम आज जानने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, कृषि बैंक ऐसे वित्तीय संस्थाएं यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं जो विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नाम ही इसका है कृषि बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, ठीक है, तो ये कृषि क्षेत्र में जितने भी काम करते हैं जो लोग उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, ठीक है। जैसे बीज वगैरह खरीदते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े वो कभी कभी ट्रैक्टर खरीदते हैं या उनके कुछ टूल्स खरीदते हैं तो महंगे महंगे पड़ते हैं, उसके लिए लोग लोन लेते हैं यहाँ से। इनका मुख्य उद्देश्य किसानों, कृषि सहकारी समितियों और कृषि से संबंधित व्यवसायों को कर्ज और अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। तो कर्ज देते हैं और भी वित्तीय सेवाएं होंगे कि भैया पैसा निकाल सकते हो, ठीक है, घर बैठे निकाल सकते हो और भी अन्य सेवाएं दे सकते हैं, ठीक है। ये बैंक ग्रामीण और कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लास्ट वाला पॉइंट है, ये बैंक बड़े पैमाने पर जमा भी स्वीकार करते हैं और उन्हें ऋणों और निवेशों के रूप में पुनः निवेश करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कमर्शियल बैंक भी ऐसा करती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, बड़े पैमाने पर जमा भी स्वीकार करती हैं। अपना पैसा आप यहाँ जमा कर सकते हैं, ये लोग जमा कर लेते हैं, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहाँ से भी वो अर्निंग कर सकें, सोर्स ऑफ अर्निंग आ सके, ठीक है, पैसा जनरेट कर सकें। तो बहुत सारी बैंक्स हो गई या फिर शेयर खरीद लिया, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में, तो वहां से भी इनका पैसा आता रहता है, ठीक है। लोन भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए कृषि बैंकों के प्रकार, आपने सुना होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको RRB बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। अगला है सहकारी बैंक, आपने ये भी नाम सुना होगा, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स। अगला है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड बोला जाता है। अब कृषि बैंकों की कुछ सेवाएं हैं, सबसे जो मुख्य सेवा है वो क्या है, ऋण सुविधाएं, लोन फैसिलिटीज, ऋण सुविधाएं प्रदान करना जो कृषि संबंधी काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला है वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज। और भी वित्तीय सेवाएं क्या हो गई, जैसे आप वहां पर पैसे अपने जमा कर सकते हैं, कभी भी जरूरत हो तो पैसे निकाल सकते हैं, कोई जानकारी आपको लेनी है स्टॉक खरीदने या म्यूचुअल फंड से संबंधित तो वहां पर आप ले सकते हैं। बैंकिंग सेवाएं भी ये देते हैं ताकि जो लोन लिए हुए हैं वो जो उनके कस्टमर है वो ले सके। इसका अनुदान और सब्सिडी, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, तो जब सरकार की तरफ से कोई अनुदान और सब्सिडी आती है या ये खुद भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो कृषि है, कृषि का विकास अच्छे से हो सके और उनको फायदा हो सके।